क्योंकि यहाँ पे ए टू जेड यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का हमारे चैनल पर अपलोड है और इसका सोल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलिए सोल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये देख सकते हो, ये आपका सोल्यूशन रहा जो कि इसी वीडियो में मिल जाएगा। लास्ट में आपको PDF मिल जाएगा, बाकी आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सबूत के तौर पर, अन्यथा आप लोग वीडियो देखते नहीं, बोलते हो कि सर सोल्यूशन है ही नहीं, आपने बताया नहीं, लेकिन सोल्यूशन होता है वीडियो के लास्ट में। तो ये देख सकते हो बहुत अच्छे से आपको बनाया गया है, डायग्राम वगैरह सोल्यूशन बहुत बिंदास आप लोगों के लिए तैयार किया गया है एक एक क्वेश्चन को देखते हुए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस पेपर को आप तैयार करके जाते हो तो 80 में से आप 70 लेकर आओगे, मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ। चलिए अब आपको पेपर दिखाता हूँ, लास्ट में सोल्यूशन दिखाऊंगा। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका 4 सेक्शन में पेपर होने वाला है, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन में और आपका यहाँ पर होने वाला है। 4 सेक्शन में से आपको सेक्शन ए आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख लेना। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे सेक्शन ए में है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। यदि पहला क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 10/10। तो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि आपको यहाँ पर एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन देखोगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन द फॉलो। तो आपको यहाँ पर इस फॉलो इसको करना है, मतलब इसको पढ़ना है और इसे तैयार करना है। कैसे करना है मैं आपको पूरी ए टू जेड यहाँ पर जानकारी बताने वाला हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पर पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो रोक के पढ़ लेना। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर की ओर चलता हूँ। तो आपको क्वेश्चन तो नीचे है लेकिन आपको उत्तर इसमें से छांटना है। आप यहाँ पर देखोगे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन के जैसे कि 4 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो चारों का मैं यहाँ पर उत्तर बता दूंगा, तो आप यहाँ पर तैयार कर लेना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आपको 4-5 ऑप्शन है। यहाँ पर राइट आंसर में डायरेक्ट ई नंबर लगा लेना है, मैं आपको लगा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले का ई नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर आपको मिलने वाला है और 10ों का मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो पहले का ई नंबर और दूसरे का आपको बी नंबर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लेना। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 3 नंबर, 3 का राइट आंसर आपको लिखना होगा। 3 का आपको ए नंबर ही लगा देना है, जो कि 3 का ए नंबर ही लगाना है, बाकी तो आपका नीचे है लेकिन आपको यही नंबर राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको 4 नंबर देखोगे, 4 का राइट आंसर आपको मैं बता दूँ, 4 का आपका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जो कि 5 नंबर है। यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जो कि आपको 6 नंबर है। 6 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, आपको यहाँ पर लगा देना, मैं डायरेक्ट उत्तर लगाता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर 7 नंबर देखना है, 7 का राइट आंसर, जो कि 7 का राइट आंसर आपको क्या ई नंबर हो जाएगा, जो कि नीचे है, और आप यहाँ पर ई नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 7 के बाद 8 नंबर दिखना है, जो कि 8 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 8 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 9 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 10 का राइट आंसर आपका ई नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपका 10/10 आपका कंप्लीट हुआ प्लस क्रमांक 1 पर, तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्लस क्रमांक 2 है, जो कि आपको प्लस क्रमांक 2 पर आपको 4 नंबर मिलने वाला है, तो 4 नंबर यहाँ से भी मिलना है। यही प्लस क्रमांक 2 से तो आपको फ्री का नंबर मिलता है, इसमें ना कोई याद करना पड़ता है ना कोई मतलब आपको कुछ नहीं, इसी को उतारना होता है, नोट से टाइटल बनाना है। तो आपको पता होगा कि मैश नोट ऑन द फॉलोइंग पैसेज इन गिवन टाइटल, मतलब कि आप यहाँ पर सब टाइटल आपको खोलना हो, तो मैं आपको लिख के लाया हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ टाइटल इसमें क्या होने वाला है। जो कि आपको पहले क्वेश्चन का आपको टाइटल खोलना है, क्योंकि एक डालना है, एक लिखने के बाद टाइटल लिखना होगा। टाइटल आपको यहीं पर मिल जाएगा, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो टाइटल, यहाँ से आपको टाइटल लिखना होगा यहाँ तक, जो कि लिख लेना होगा, या तो आपको मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने लिख के लाया हूँ, जो कि मैं अभी सोल्यूशन वाला PDF तो लास्ट में दिखाऊंगा इसी वीडियो, तो लास्ट तक बने रहना। बाकी आपको इसी को स्टॉप देख देख करके आपको इसी को पूरा उतार देना है, क्योंकि पूरा उतार दोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, एक पेज भर जाएगा। तो आपको इसी को पूरा उतार देना है, आपको इसी को उतारना है। इसके और इसमें राइटिंग चेक की जाती है, आपकी राइटिंग कितनी है। इसके बाद प्लस क्रमांक आपको 3 देख लेना है, 3 में आपको अच्छे से तैयार करना है, 3 और आपको यहाँ पर 4-5 इन सभी का उत्तर तो मैं लिख के लाया हूँ। आपको पता होगा पोस्टर वगैरह मैं आपको ऐसे बनाया था, जो कि आपने PDF वाला देखा था, वो सोल्यूशन वाला PDF। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर है। फिलिंग द ब्लैंक्स में पहले नंबर पे आप क्या लिखना होगा मैं ये भी बता देता हूँ, जो कि 6 नंबर है, आप 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पहले का राइट आंसर आपका ये नहीं हो जाएगा। इसका 2 नंबर है, 2 का आपको सेम ये आपको मैं जल्दी जल्दी लगा देता हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी लगा दिया। बाकी आपको लिखा लिखा वाला PDF तो लास्ट में मिल ही जाएगा, तो आपको इस तरीके से लगा लेना है। तो आपको मैं लगा दिया बीच वाला। इसके बाद आपको आपका जो आप डायरेक्टर ये तो बनाना पड़ता है, तो आपको इसे बना कर लाया हूँ, तो लास्ट में आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद आप आगे देख सकते हो, जो कि आपको 7 नंबर हो गया, 7 नंबर पूरा मिल जाएगा। इसके बाद 8 नंबर आपको यहाँ पर देख सकते हो,
आठ नंबर आपको यहाँ पर रीड द प्रॉब्लम, मतलब केवल इसको पढ़ना है और इनसे पैसे दिया गया है, इनका उत्तर देना है। तो कैसे देना है मैं आपको यहाँ पर पूरा बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, जैसे कि आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेना है। इसके बाद दो नंबर, दो का राइट आंसर आपको लिख लेना है, मैं जल्दी जल्दी लगा देता हूँ डी नंबर। इसके बाद आपको तीन नंबर देख लेना है, तीन का राइट आंसर आपको सी नंबर। इसके बाद चार का राइट आंसर बी नंबर। इसके बाद पाँच का राइट आंसर सी नंबर, इस तरीके से लगा लेना। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्लस क्रमांक नौ, आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। रीड द प्रॉब्लम एक्सेप्टेड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। आपको ब्लॉग मतलब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, तीन अंक मिलेगा, तीन नंबर यहाँ से मिल जाएगा, छोड़ना तो है नहीं, आपको भी पता होगा। बाकी आपको पढ़ने तो अच्छे से यहाँ पर पढ़ पढ़ के और यहाँ पे लगा लेना। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट बस सलूशन देना चाहता हूँ, और आपको यहाँ पर पेपर स्क्रीन शॉट लेकर तैयार कर लेना। पहले नंबर देखना है, पहले का आपको ए नंबर लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ बता दूँ कि दो नंबर आप यहाँ पर देखोगे, दो नंबर, दो नंबर राइट आंसर है, दो का राइट आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको तीन नंबर है, तीन का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद चार नंबर है, चार का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जो कि आपको पाँच नंबर है। तो आपको पाँच नंबर का आपको क्वेश्चन आंसर है, जो कि इसका लिख के लाया हूँ, तो पीडीएफ जब दिखाऊंगा तो आप देख लेना उससे। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन नौ नंबर है, नौ नंबर सेम उसी तरीके से आपको इसे पढ़ लेना है। इसके बाद पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन के बाद आपको अच्छे से तैयार करना होगा। पहले क्वेश्चन को डी नंबर हो जाएगा, दूसरा का सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर चौथा नंबर, तीसरा नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, इसका आपको पहले नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं लगा देता हूँ, ये नंबर हो जाएगा। मैं सोल्यूशन जल्दी जल्दी लगाता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 10 है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, मतलब 30 शब्द में लिखना होगा, आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो आप एक दो तीन चार पाँच को लिखना, और आपको यहाँ पर दो दो अंक होने वाला है, 10 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 11 नंबर देख सकते हो, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, आपको तीन तीन अंक का होने वाला है, सॉरी दो दो अंक का होने वाला है, तीनों को लिख लेना है, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 12 नंबर देख लेना है, 12 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से आपको एक को छोड़ देना है, दो को लिखना है, आपको दो दो अंक का होने वाला है, 4 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक को छोड़ देना है, तीन तीन अंक का होने वाला है, आपको एनी टू लिखना है। आपको यहाँ पर बोला भी गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड एनी टू, मतलब 75 शब्द में लिखना है और दो को लिखना है। इसके बाद आपको 14 नंबर देख लेना है, आपको यहाँ पर 14 नंबर 15 नंबर, तो इस तरीके से आपको ये हो गया। चलिए अपना सोल्यूशन दिखा देते हैं बहुत अच्छे से। तो फाइनली विद्यार्थियों, आप लोगों का मैंने सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। पहले का ही नंबर, दूसरे का बी नंबर, तीसरे का ए नंबर, चौथे का डी नंबर, पाँचवें का बी नंबर, छठवें का सी नंबर, सातवें का ई नंबर, आठवें का डी नंबर, नौवें का ए नंबर, दसवें का ई नंबर। इसके बाद दो नंबर का जो टाइटल था, ये टाइटल नोट्स बनाना था, तो ये आप बना लीजिएगा। इसके बाद आपको ये आपको स्क्रीन शॉट लेना है ये अच्छे से, जो कि आपको बनाना था। इसके बाद ये आपको हो गया। इसके बाद पाँच तीन नंबर प्रश्न, जो कि आपको डू यू लव, ये आपको बनाना था, जो डायग्राम बना लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चार का आंसर देख लेना है, जो कि आपको लेटर लिखना था फ्रेंड पर, तो ये आपको लिख लेना है बहुत अच्छे से, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ये आपको पाँच नंबर आया, जो कि पाँच नंबर अच्छे से लिखना था, ये भी आपको इम्पोर्टेंट। आपको यहाँ पर गेम्स पर लिखना था सपोर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर दस नंबर देख लेना है, दस नंबर। इसके बाद ये आपको दस का एक दो तीन चार और एक पाँच। इसके बाद ग्यारह नंबर एक हो गया, दो हो गया, अब तीन नहीं लिखना है। इसके बाद आपको बारह का एक और बारह का दो और ये बारह का रहा तीन, तो बस इतना ही सोल्यूशन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी का सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा रहा हूँ, और टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन नाउ टेलीग्राम, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।